शौचालय ऐसा बना है कि बेकाम के है, मसाला ऐसे करता है तो भस भस छूटता है, और बढ़िया से प्लास्टरा अथी से नहीं किया है, और पानी भी बढ़िया नहीं रहता है, पानी सूख जाता है। इसमें यहाँ पर टंकी रहेगा तो भलो शौचालय में जा सकते हैं, कितना पानी ढो ढो के लाएंगे तब तो शौचालय करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया है। इस अभियान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाने के साथ साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर पर सुधार आ सके। अभियान का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुला शौच मुक्त देश बनाना है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत तापिन 23 नंबर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 61 शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन पानी की असुविधा के कारण ज़्यादातर ग्रामीण शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पानी कहाँ से लाते हैं? नदी से लाते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को? हाँ, पानी की दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नदी से लाना पड़ता तो नदी तो दूर है, तो नदी से लाते हैं तो हम लोग शौचालय में अति करते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ तो सरकार दे ही रहे हैं, हम लोग को भी पानी की भी सुविधा दे दें। ना कुआं है, चापाकल भी गड़ता है तो उसमें पानी लाल निकलता है, यहाँ बहुत तकलीफ की तरह है। नदी वाला पानी पीते हैं और उसी से हम लोग जी रखा रहे। यहाँ टंकी रहना चाहिए, हौदा बना हुआ, गली गली में पाइप जाना चाहिए। अभी विकलांग है लड़की है, यहाँ इसमें पानी कहाँ से लाएगी, कहीं से ला सकती है? नाम के बन गया कि शौचालय बना दिए हैं सरकार, बोल क्या काम के लिए बनाया। मैं तमाम वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि रामगढ़ जिला के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता के संपर्क नंबर 9631180046 पर कॉल कर तापिन 23 नंबर में पानी की सुविधा मुहैया कराने की मांग करें। मैं हूं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहर के लिए।